वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिमरी एक नई वीडियो में। तो आपको आज की इस वीडियो में आपको मैं जिस ड्रामा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आपको माइंड पूरी तरीके से ब्लो कर सकता है। और इन केस अगर आप 18 प्लस कंटेंट देखना पसंद करते हो तो बस ये वीडियो आपके लिए। एनीवे, अगर बात करें सीरीज की जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो वो एक्चुअली में एक जैपनीज ड्रामा है जिसका नाम है फिश बाउल वाइव्स, जिसे आज रात नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। बेसिक इन्फो की बात करूं तो इस सीरीज को देखने के लिए आपको इसके सीजन में टोटल 8 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिनकी जो लेंथ है वो 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में आपको देखने को मिलती है। और यहीं पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस सीरीज में आपको भर-भर के न्यूड सीन्स यानी कि एडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं। सो अब मैंने जब इस सीरीज को देख करके खत्म कर दिया तो इसमें मुझे क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, इस पर आपका टाइम देना सही रहेगा या फिर रहेगा आज की इस वीडियो में जाट लेने, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को एडजस्ट कर लेना। तो बिना देर लगाए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो फॉलो करती है साकुरा के कैरेक्टर को, जो कि अपने हस्बैंड के सैलून में काम करना चाहती है, बट जो उसका हस्बैंड है वो किसी एनीवे इस ड्रामे में उसके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है जिसकी वजह से जो उसकी लाइफ है पूरी तरीके से अप एंड डाउन हो जाती है। एनीवे उसके साथ होता क्या जब आप इस ड्रामा को देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन जब साकुरा हारुतो के कैरेक्टर से मिलती है जहां से वो एक गोल्ड फिश को बाय करती है, उसके बाद उसके लाइफ में जो भी चीजें चेंज होने लगती है उनकी डिटेल्स जानने के लिए आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। साथ साथ 5 और लेडीज की कहानी जो है उनको जानने के लिए आपको इस चीज को अंत तक देखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये चीज उन भाइयों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि इस चीज को केवल एडल्ट सीन्स के लिए देखने जाएंगे। अदरवाइज अगर मैं सीरीज को इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग जज करूं तो ये मुझे सीरीज काफी एवरेज फील हुई, क्योंकि ये सीरीज अपनी कहानी में आपको डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ अफेयर्स का एंगल प्रेजेंट करती है जिसको आपने ऑलरेडी काफी सीरीज और मूवीज में देख रखा है, जिसकी वजह से साकुरा के कैरेक्टर को लेकर के जो इसमें आपको सस्पेंस देखने को मिलता है वो आपको उतना ज्यादा इंगेज और होल्ड नहीं कर पाता है। लेकिन वो लोग इस चीज के साथ काफी इजीली रिलेट कर सकते हैं जिनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हों। स्टार्टिंग का जो सेगमेंट है इस सीरीज का वो काफी बढ़िया से प्रेजेंट किया गया, जिसकी वजह से आपको एक बार फील जरूर आती है कि हाँ ये सीरीज आगे जाकर के कमाल करेगी। लेकिन जैसे जैसे ये एंडिंग की तरफ प्रोग्रेस करती है बस वही आपको इमोशनल एंगल प्रेजेंट करते हुए फ्लैट हो जाती है। सीरीज की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी मुझे उतना ज्यादा एंगेजिंग टाइप की फील नहीं हुई, बट कहानी के अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी अगर एडल्ट सीन्स की बात करें तो उसमें भी जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलती है एक्टर्स की और जो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो उतना ज्यादा आपको स्पार्किंग नहीं लगती है कि आपको देख करके भाई क्या देख लिया ऐसी वाली फीलिंग आए। ओवरऑल वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते मैं आपको लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हो जो कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल प्रेजेंट करे, वुमेन्स के प्रोस्पेक्टिव से उसमें आपको चीजें देखने को मिले, आपको एडल्ट सीन्स देखने को मिले, तो आप इस सीरीज को ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बट एक बार चेकआउट कर सकते हो। बात करें मेरी तो मुझे ये ड्रामा काफी ओके और प्रिडिक्टेबल टाइप का फील हुआ है, इसलिए मैं इसको ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो कमेंट बॉक्स में करना कि आपको सीरीज कैसी लगी है। इनकेस वीडियो अच्छी लगी आज की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस देखना पसंद है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।